हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पैश क्रिएशंस। मैं हूं शिल्पी। आज मैं आपको एक इटालियन डिश नाचोस बनाना बताऊंगी। वैसे तो नाचोस मार्केट में मिलते हैं, लेकिन मैं बहुत ही न्यूट्रिशियस नाचोस बनाऊंगी क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूं। तो ये मूंग की दाल के नाम। तो चलिए मूंग दाल नाचोस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मूंग की दाल ली हुई है, इसको हमने 2 घंटे पहले सोक कर दिया था, भिगो दिया था। ये हमारी धुली मूंग की दाल है और ये देखिए, इसको आप लोग ऐसे देखेंगे कि ये नेल से ऐसे टूट जाए, इट मींस कि ये हमारी प्रॉपर भीग चुकी है। ठीक है, अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें हम ये मूंग की दाल डाल देंगे और पानी नहीं डालेंगे इसमें, बिना पानी के हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है इसको, दिखाती हूँ। ये एकदम क्रीमी इसमें से टेक्सचर आया है, बिल्कुल हमें इसमें बिल्कुल भी वो ना रह जाए दाने टाइप, तो बिल्कुल ये पेस्ट जैसा बन जाए। तो ये हमको ऐसे रेडी कर लेना है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक प्लेट ले ली है, इसमें हमने आधा कप मैदा ली है और आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आप एक चीज भी ले सकते हैं, आप सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशियस बनाती हूँ तो मैंने आधा आधा कप दोनों चीजें ले ली हैं। ये दोनों चीजें हो गई हैं। इसके बाद मेरे को इसमें मैं डालूंगी, ये देखिए अजवाइन है, इसको मैंने 1 चम्मच ले लिया है। इसको क्रश करके डालेंगे जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। ये मैंने ये डाल दी है अजवाइन। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आएगा नाचोस का। और 1 चम्मच करीब चिली फ्लेक्स, ये देखिए थोड़ा सा मैंने ओरिगेनो भी डाला है जिससे कि थोड़ा सा इटालियन टेस्ट आएगा। वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे को इसमें डालना है सॉल्ट। आप थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे क्योंकि अभी इसमें मेरे को दाल भी मिक्स करनी है, इसलिए ठीक है। तो ये सॉल्ट मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी करीब 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह पर घी भी ले सकते हैं, जो भी आप। अब देखिए इसको हमें इसको मिक्स करना है। ये देखिए, ये सारा इसमें रिफाइंड ऑयल और जितना भी मैंने मसाले वगैरह डाले थे तो मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको ऐसे देखना है कि ये ऐसे बंधने लगे। जैसे ये बंधने लगता है, इट मीन्स इसमें जो मोयन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसे मिक्स हो गया है ये सारा कुछ। ये देखिए, ये बंधने लगा है। अब मैं इसमें धीरे धीरे जो मैंने दाल पीस के रखी थी वो डालूंगी इसके अंदर, और इसी दाल से ही हम इसको आटा लगाएंगे इसका। अब देखिए ये आटा लग के रेडी हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे। अब देखिए ये हमारा आटा रेस्ट कर चुका है 5 मिनट। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेती हूँ। आप चाहे तो एक बड़ा भी बना सकते हैं, मैंने थोड़े छोटे छोटे लिए हैं। फिर उसको आप अपने शेप जो भी आपको देना हो, ये देखिए पेड़ा है मेरा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लिया है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा ही करेंगे। अब हम इसको बेक लेते हैं। इसको हम पतला ही बेलेंगे, खूब पतला सा। नाचोस सभी को बहुत पसंद आते हैं, कोई भी डिप के साथ आप उनको खिला सकते हैं। इंस्टेंट कोई गेस्ट आ जाए आपके घर में तो भी आप फटाफट इसको बना सकते हैं। बच्चों को शाम को अगर कुछ खाने का मन है तो आप बना सकते हैं। इस टाइम हम लोग चिप्स वगैरह बाहर से नहीं ले रहे हैं,
लिए सबसे अच्छा ऑप्शन। ये देखिए ये मैंने रेडी कर लिया है, ये देखिए ये काफी मैंने पतला, देखिए ये देखिए ये काफी पतला मैंने इसको बेल लिया है। अब इसको हम किसी भी शेप में काट लेंगे, जैसे मैं ऐसे काट रही हूँ। ये देखिए मैंने इस शेप में काटे हैं। नाचोस एक्चुअली इसी शेप में ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप कोई और शेप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरे नाचोस कट गए हैं सारे। अब देखिए मेरे को क्या करना है, इन नाचोस को थोड़ा सा प्रिक कर लेना है अपने फॉर्क से, क्योंकि अगर हम प्रिक नहीं करेंगे ना तो ये फूल जाते हैं और हमें इनको फूलने नहीं देना है। तो आप पूरी रोटी को भी प्रिक कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बनाई थी पूरी गोल, और आप इंडिविजुअली एक एक को भी प्रिक कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। ये देखिए हमारे सारे प्रिक हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमने तेल गरम कर लिया है, ये हीट हो गया है तेल, हमें बस इसको जो गैस है हमें वो मीडियम लो ही रखनी है। ये देखिए ये ऐसे हम इसको डाल देंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही जल्दी बनते हैं, और आप इनको एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप बना करके डब्बे में रख लीजिए, और जब भी आपका खाने का चाय, शाम की चाय के संग या कभी भी आप इसको खा सकते हैं। बस हमें डाल करके ये एक बार पलट देंगे हम, और फिर इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम थोड़ा स्लो ही रखेंगे, क्योंकि अभी हमारी इसमें दाल भी है तो स्लो पर ही वो ज्यादा अच्छे पकेंगे। तो ये देखिए ये हमारे नाचोस रेडी हो गए हैं, एकदम रेड क्रिस्पी, और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी, ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो बस अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसको आप किसी भी डिप के संग, टमाटो केचप के संग, हरी चटनी के संग, जैसा भी आप चाहें आप दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये हमने नाचोस लिए हैं, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देते हैं, क्योंकि अगर प्लेटिंग अच्छी होती है ना तो खाने में रियली मजा आ जाता है। ये देखिए ये नाचोस को हमने ऐसे रख दिया, इसी के साथ हम टमाटो केचप रख देते हैं। और एक ये मैंने डिप है मेरी, देखिए मैं बनाने जा रही हूँ, ये मैंने ली है मेयोनीज, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूंगी। एक्चुअली मेरी बेटी को ना मेयोनीज बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए ये डिप तैयार कर रही हूँ, और इस डिप के संग ही आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे नाचोस। तो ये हमारी डिप रेडी है।